हो गया फूस, ओवर स्मार्ट बनने पे यही होता है फूस होता है। खाना वाना खाने के बाद अबुल और सार्थ आ गए थे कमरे में और ये देखिए बनवा रहा है ये अपने पापा से बोट। बहुत बोट बनवाता है ये, जितने पेपर इसको मिल जाते हैं ना इस तरीके से वेस्ट सबसे बोट बनवाता रहता है। नानी थी मेरी तो उनसे एक एक बार में ना 7-8 बोट बनवाता था डिफरेंट साइज का, मतलब कोई भी बोट का साइज सेम नहीं होना चाहिए, सारे डिफरेंट साइज के होने चाहिए। और इस वाले विंडो पे ये पूरी लाइन में लगाता था, कभी कभी उसमें पानी भी भर देता था। तो माई मेरी हमेशा बोलती थी कि बेटा बोट के अंदर पानी नहीं डालते हैं, पानी में बोट डालते हैं। उसके बाद मैं ये लेकर आई थी अपूर्व के लिए दवाई, क्योंकि इनको चेस्ट में पेन हो रहा था, शायद कहीं पर चोट लगा लिया था इन्होंने, जैसे होता है ना बस में कहीं चढ़ते बढ़ते वक्त लग गई थी तो इससे पेन हो रहा था। तो यहाँ पे मैं उनके लिए दवाई लेकर आई थी। मैंने मेरी दो साड़ियाँ मंगवाई थी, एक ये मेरी बनारसी साड़ी है, बहुत अच्छी सुंदर साड़ी है, बट मैंने इसको एक बार ही सिर्फ पहना है एक पूजा में गृह प्रवेश वाले में। और उसके बाद ये एक मेरी सिल्क की साड़ी है जो कि बिल्कुल कोरा, और ये एक दुपट्टा है मेरा जिसका सूट मेरे पास था और दुपट्टा वहाँ पर था, तो मैंने सोचा कि दुपट्टा मंगवा लेती हूँ ताकि सूट मेरा यूज़ हो जाएगा। इसके बाद अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, तो अब मैं मिलूँगी आपसे सीधा कल, तो मिलते हैं कल। बाय कर दो, वाह मेकअप हो रहा है साथ का, लगे रहा बेटा 2 मिनट मेकअप ट्यूटोरियल, 2 मिनट में पाए एकदम गुलाबो जैसा निखार, नेचुरली हाँ बस। तुम्हारा जाना आना शुरू हो गया, कहाँ जाना है मम्मी इन माय मॉर्निंग शिफ्ट मेरे साथ बैठ में चलेंगे अबो, हाँ चल लेंगे बिना ठम ठम के भी चल लेंगे, चलो हमारे कुछ ऑर्डर आएगा तो ले लेना। हाँ देखें ओके, क्या करोगे खोल के फिर से बोलना, क्या बोली बोलो जरा, मतलब मेरा भेजती हमेशा मारने के लिए तैयार रहती, बोले मेरा पार्सल बिना मेरे खोल के रिव्यू मत दे देना, क्यों मेरा रिव्यू गलत रहता है, मेरा रिव्यू इस बेचारी का 10 शॉपिंग में से ना 3 से 4 शॉपिंग मेरी वजह से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये दुखी रहती है कि ये रिव्यू गलत करती है और फिर कैंसिल कर देती है। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मुझे किसी के जूतों की आवाज सुनाई दे रही है, शायद आ गया मेरा बॉय। एक स्लीपर कहाँ है बेटा, इसकी लग गई है कल से लॉटरी। कल इसका मामू इसके लिए गन लेकर आया था और ये मॉर्निंग में गया अपने पापा के साथ घूमने के लिए और एक स्लीपर इसके पापा हाथ में लेकर आया। आपने स्लीपर क्यों खोल दिया था, पीछे पड़े पापा। तुम्हारे पीछे पड़े हैं, चलो मम्मा बचाएगी, चलो अंदर चलो, हाँ चलो मम्मा बचा। एकदम लॉटरी लगी हुई है इसकी, तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, खूब सारा इसको गिफ्ट मिल रहा है, तो गया उधर स्कूटी पे चढ़ने के लिए बदमाशी करने के लिए, इसको खूब फ्रीडम मिला, आदमी देख के नहीं होता, हम लोग कहते हैं बच्चे का मन बढ़ जाता है, वही हो गया इसके साथ भी, कंट्रोल में नहीं आया भाई। लो घंटी लो, बिना नहाए धोए सर तुम आज ब्रश भी नहीं किया है बेटा, देखो बात बात में रह गया है। अब हो गया बेटा, कथी अच्छा पीरो अच्छा चढ़ाई अच्छा हो गया, अब हो गया ओतने एक आसे थोड़ी तनी चल से है, अब हो गया, अब नहीं खोलिए बेटू। ओहो हो गया, चल 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 चल
पहले जल देना आप कथी। अरे तो अबीर कहाँ? बाप रे बाप। चल अब हो गया, अब हो गया, अब नहीं, अब कुछ कल ही शैम्पू किए थे सार। चल चल चल, इधर नहीं, जल देने, जल देते हैं। हाँ बहुत सुंदर हो गया, हल्दी वल्दी सब लग गया। चलो चलो अब क्या करोगे? का है ना पानी आपको दे हैं। वो भी जाएगा जल देना। हे विष्णु भगवान, सात के हाथ का पहला जल स्वीकार कीजिएगा। हाँ चलिए, स्वीकार हो गया भगवान के दरबार। बाल बाल से प्यार से आदमी की तरह। हो गया आराम से। पहले बाल सेट करो, अपना बाल ठीक करो। हाँ वेरी गुड। ये ना कहो कि बेटा धूप अगरबत्ती दिखा देता है, तुम लोग का अति काम पूरा कर देता है। ठीक जरूर। हाँ। बिचारा बच्चों में लो जबरदस्ती पतक के ना ला दिया गया। इच्छा में अभी मन नहीं था नाई नाई करने का। छाज पापा बेटा नाई निकल के आया है ना, अपने मतलब से छप छे दोस्ती लगता है। चल कपा पहन ले हम लोग। कपड़ा नहीं पहन, ऐसे ही लपेट के रहना, कहता है ऐसे लपेट दो। ये कपड़ा कपड़ा पहन, यही कपड़ा पहने रहना है। ठीक है, वो कौन सा कपड़ा पहने रहना है? ऐसे रह रहना है, ऐसे पहना, ऐसे पहनना है। तो ठीक है, पहने रहो ऐसे ही, बट मुझे तो कौन सा कपड़ा चाहिए? कहाँ से? वॉशिंग मशीन से कपड़ा चाहिए, जिसका गीला कपड़ा जो वॉशिंग मशीन में रखा गया वही चाहिए इसको पहनने के लिए। हाँ साथ पिला रहा है सबको ट्रेन में चाय कॉफी। नहीं जा रहा है ना, नहीं जा पाएगा, रास्ता नहीं है चाय कॉफी पीने का। यहाँ से वहाँ है, वहाँ से नहीं जाएगा बेटा। मम्मी वहाँ नोट सुखा रही है, कपड़े में धुल गया था बहुत सारा करेंसी, मम्मी सुखा रही है। बेचारी का सब गीला हो गया, परेशान है सुखाने के लिए। कोई नहीं हटाएगा साथ, बहुत शैतानी हो गया। चलो अंदर अब बस हो गया, सो जाओ वहां पे, सो ही जाओ तुम इस पे। बदमाशी का भी साथ हद नहीं है आज तुम्हारा। अरे अब फट जाएगा वो। वो फूट जाएगा, सबसे पहले स्ट्रेच किया जाता है। भगवान तो फिर क्यों बुला रहे हैं? एक समान नहीं बोला। एनर्जी लॉस कर रहे हैं अपना, बस मशीन से फ्लादा नहीं गैस से।
अरे बाहर फुलवा लीजिएगा। अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात, सीधा मत कीजिए। कोई नहीं, सीधा मत कीजिए, बलून कहीं सीधा हुआ है। किस्मत बहुत अच्छा है, वो रोया नहीं, अच्छी बात है ना, उसके हाथ में जाके फूटता तो वो रोता। थैंक यू भगवान जी, ये भी नहीं फूटता, आप उसको फुलाया जा रहे। अरे तो वो पंप से फुलाता है, अरे वो बराबर फूलता है। हो गया फूस, वो बड़ा स्मार्ट बनने पे यही होता है फूस। कह रहे जम से कि रहने दीजिए, लेकिन नहीं फूस। कहाँ से ढोके लाए थे? गोरखपुर से। बताओ, 500 किलोमीटर होगा जरूर यार, 400 किलोमीटर से ढोके लाया बनाना फूट। डेली शॉपिंग के जितने कपड़े थे ना, उनको मैं अभी तक वॉश नहीं कर पाई थी, और इसी वजह से पहन नहीं पाई थी। मेरी तो पुरानी आदत है कपड़ों को वॉश करके पहनने की, आज उनका टर्न आया है। सबको मैंने वॉश कर दिया था ऑलमोस्ट, और इधर भी कुछ पड़े हैं, कुछ मैं ले गई थी जो बहुत हल्के वाले थे, वो तो बहुत जल्दी सूख गए थे, और जो थोड़े मोटे थे जैसे ये वुलन्स टाइप के ना, तो वो इधर डाल रखे हैं। अब इनका तो हालांकि यूज़ भी नहीं हुआ, जब सही टाइम पे मैं लेकर आई थी इनको, जबकि सही टाइम पे मैं इनको लेकर आई थी, तब अगर मैंने इनको वॉश कर लिया होता तो जो जैकेट्स वगैरह थे पतले वाले वो मैं पहन सकती थी, बट तब किया नहीं, क्योंकि जो पहले से हमारे वुलन थे ना, इवन कि जो ब्लैंकेट वगैरह थे, उन्हीं सबको धो धो के सुखा सुखा के पैक करने में एकदम से पूरा दिन निकल जाता था। तो मैंने सोचा छोड़ो, अब अगले साल इनको पहना जाएगा। अदरवाइज मन तो होता है ना, जब आप कुछ नया खरीद कर लेकर आओ तो सेम सीजन में पहनो, बट कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है मेरे साथ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। प्रोकेस्टिनेशन ना मेरे यहाँ भरा हुआ है, जिस दिन वो निकल जाएगा ना, उस दिन मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाएगी। अभी साथ सो रहा है, और मैंने चढ़ाई ये नीचे में चाय आ गई थी फटाफट से, ये सारे कपड़े उतारने के लिए, कपड़े उतार कर लेकर जाती तो चाय मेरी अच्छे से उबल गई होगी। और आज वाले ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा बाहर जाने का, तो देखते हैं जा पाते हैं या नहीं, अगर गए तो आपको भी साथ लेकर चलूँगी। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे फास्ट ये सारा काम ख़त्म करना है। नीचे जाऊँगी और चाय दूँगी स्पेशली अपूर्व को, क्योंकि उनके चाय का टाइम हो रहा है, उनको शाम में चाय चाहिए ही चाहिए, मॉर्निंग में चाय चाहिए ही चाहिए, चाय के बिना तो जी नहीं सकते हैं, दो तीन बार बोल चुके थे, तो मैंने सोचा कि पहले ये काम निपटा लो फिर चाय दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, बाय बाय।